देश में बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं के विरोध में कांग्रेस 17 अप्रैल को बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय का घेराव करेगी। हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुमित्रा चौहान ने कहा कि कठुआ और उन्नाव में हुई रेप की घटनाओं के बाद बीजेपी भगाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत 17 अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी काला दिवस मनाएगी और इसके साथ ही हरियाणा के जिला मुख्यालयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पुतले फूंके जाएंगे। हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुमित्रा चौहान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने। देश में बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर कांग्रेस भाजपा मुख्यालय का घेराव करेगी। इस समय साथ हैं हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुमित्रा चौहान, इनसे जानते हैं कि क्या कार्यक्रम रहेगा। 17 अप्रैल 2018 को हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के आदेशानुसार दिल्ली में जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करेगी। उन्नाव में और कठुआ में जिस तरीके से रेप हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है, कितनी भारतीय जनता पार्टी संवेदनहीन है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके बाप की भी पुलिस की कस्टडी में हत्या हो जाती है। कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, हरियाणा की धरती पर आकर नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस कहती है भाजपा भगाओ बच्चियां बचाओ, क्योंकि आए दिन हरियाणा में निर्भया जैसे कांड दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस ने निर्णय लिया है 17 अप्रैल को काला दिवस के रूप में मनाएंगी। सभी जिला मुख्यालयों पर नरेंद्र मोदी जी और खट्टर के पुतले फूके जाएंगे और प्रदर्शन किया जाएगा। मैम, दिल्ली का क्या प्रोग्राम रहने वाला है? दिल्ली में क्योंकि हरियाणा बहुत नजदीक है, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद और गुड़गांव की जो महिलाएं हैं वो दिल्ली में पहुंचेंगी और बाकी सभी जिलों के जिला मुख्यालयों पर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। मैम, हरियाणा का क्या प्रोग्राम रहेगा? जिस तरह आपने कहा कि दिल्ली के साथ लगते जिले हैं वो दिल्ली जाएंगे और बाकी जिलों में जो है प्रदर्शन किया जाएगा, तो वो कौन कौन से जिले रहेंगे और क्या कार्यक्रम रहेगा हरियाणा का? जैसे कि मैंने बताया, दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा है, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद और गुड़गांव के जिले से महिलाएं दिल्ली में जाएंगी और बाकी जिलों में प्रत्येक हेडक्वार्टर पर, जिला मुख्यालयों पर नरेंद्र मोदी और खट्टर सरकार के पुतले फूके जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स के आधार पर जितना हरियाणा में 4 गुना से भी ज़्यादा अपराध बढ़ा है, ये शर्मनाक है, निंदनीय है और हम इससे खट्टर सरकार को अब चेताना नहीं हटाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि आधी आबादी अपनी सुरक्षा अगर आप नहीं दे सकते तो स्वयं कर सकती है और आपको चलता कर सकती है। ये थी मेरे साथ हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुमित्रा चौहान। इनका कहना है कि रेप की बढ़ रही घटनाओं को लेकर कांग्रेस दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर घेराव करेगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका जाएगा। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।